अपने नाम के साथ बदनामी के इल्जाम को छुपाने के लिए मुझे आपका नाम जोड़ने की जरूरत नहीं है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने सिर्फ खुदा खौफी की वजह से रिश्ता भेजा था। बाहर निकल के देखो लड़की, लोग थू थू कर रहे हैं। तरस खा के मैं इज्जत देना चाह रहा था, लेकिन ये लड़की तो इज्जत देने के काबिल है ही। कौन सी इज्जत? अगर इज्जत देनी थी तो सर पे मेरा बाप नहीं है, मेरे सर पे हाथ रख के बेटी जैसी इज्जत दे देते। बढ़िया इज्जत देने वाले। हाँ तो सारा मसला ही है। अरे मेरी महबूबा, मैं बख्तू की बहन हूँ। तारुफ की जरूरत नहीं है जी, आपको कौन नहीं जानता। मैं अपनी माँ और बख्तू के बजाय डायरेक्टली तुमसे बात करने के लिए आई। जमाने को भूल जाता हूँ जब तुम हमसे हम कलाम होते। कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करने, क्योंकि तुम्हें लगा इस सबके बाद मैं तुम जैसे लुच्चे लफंगे बदमाश मवाली का रिश्ता कबूल कर लूंगी। अपनी अना की शिकस्त को बचाने के लिए मुझ पर घटिया किस्म के इल्जामात लगाए तुमने। इल्जाम भी वहां लगाया जाता है जहां कोई बात हो। शुक्र करो कि मेरे जैसे बंदे ने इज्जत से घर रिश्ता भेजा है, वरना तुम जैसी लड़की पर कोई थूकता भी नहीं। इस गुमान में मत रहना कि किसी लड़की के किरदार पे कीचड़ उछाल के तुम उसे अपने कदमों में गिरा दोगे। मैं भी देखती हूँ क्या करते हो तुम। सिगरेट दे।